हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन चैप्टर वाले को करेंगे। इसके जो नोट्स है मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड कर चुका हूँ, अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो चैनल पर जाके देख सकती है। ठीक है, ये बहुत अच्छे नोट्स हैं, मैं आपको जो बता चुका हूँ कैसे ये सब दिखा चुका हूँ, आप वीडियो में जाके देख सकते हो चैनल पर जाके। तो हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट एप्लीकेशन। जैसे हमने देखा था बायोटेक्नोलॉजी, जैसे हमने पहले चैप्टर में पिछले चैप्टर में देखा था जो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस है, बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है। यहाँ सेम ऐसे ही बायो से बायोलॉजी हो जाएगा, टेक्नोलॉजी से टेक्निक हो जाएगा, जिसमें बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी का यूज़ होता हो इसको हम शामिल होते हैं उसको बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। एंड इट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन आप समझते हो जिसमें कैसे कैसे इसमें यूज़ हो रहा है आजकल। ठीक है, जैसे एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कि बायोटेक्नोलॉजी का क्या क्या एप्लीकेशंस है। जैसे होता है थेरापीटिक्स, थेरापीटिक्स क्या होता है यहाँ पर, थेरापीटिक होता है मेडिसिन, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन है वो मेडिसिन बनाने में यूज होता है। गाइज, अगर आपने ये नोट्स पढ़ लेना, आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे आपको वीडियो में बताता हूँ। अब एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी देखते हैं, जैसे थेरापीटिक्स क्या होती है। अब थेरापीटिक्स होती है मेडिसिन, ठीक है, तो जो बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन वो मेडिसिन बनाने में यूज होता है। डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक क्या होता है, यानी डिजीज़ को क्या करने में, जैसे किसी कोई डिजीज़ है तो उसको हम कैसे पहचान सकते हैं, तो इसमें भी बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन का यूज़ होता है। जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप फॉर एग्रीकल्चर, यानी कि जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप एग्रीकल्चर में एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। प्रोसीड फीड, बायोरिमेडिसन, प्रोसीड फीड ये तो एनर्जी के लिए। बायोरिमेडिसन क्या होता है, बायोरिमेडिसन ऐसे जैसे हमारे कोई इन्वायरमेंट है, जैसे मान लो ये इन्वायरमेंट है कोई, ठीक है, जैसे ये कोई इन्वायरमेंट है, इस इन्वायरमेंट में जैसे ये पोल्यूशन है, तो इस पोल्यूशन को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। बस यहाँ से बायोटेक्नोलॉजी यूज़ की तो ये सारा इसको रिमूव कर देंगे। फिर तो वेस्ट मटेरियल आप जानते हो, और एनर्जी प्रोडक्शन, इन सभी में कह रहा है कि ये एप्लीकेशन होता है बायोटेक्नोलॉजी के। बस आपको ये कहीं आते नहीं है पर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, ठीक है, मतलब बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में क्या क्या यूज़ होता है। थ्री ऑप्शन डेट कैन बी थॉट फूड प्रोडक्शन आर, तीन ऑप्शन है जिससे फूड प्रोडक्शन होते हैं। पहला एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, मतलब जैसे आपके पिता अगर फार्मर है तो वो केमिकल का यूज़ करते हैं, एक तो वो वाली खेती होती है। दूसरी होती है ऑर्गेनिक सस्टेन एग्रीकल्चर, जैसे किसी के किसान, जिस को किसान होता है, किसान होते हैं तो वो क्या यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक यानी खाद यूज़ करते हैं, ठीक है। तीसरी होती है जेनेटिक इंजीनियर क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, और तीसरी होती है जेनेटिक इंजीनियर क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर का, ये तीन कह रहा है एग्रीकल्चर यूज होती है, ठीक है। और इसमें हमें ये वाली ही पढ़नी है, जेनेटिक इंजीनियर क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, ये वाली एग्रीकल्चर, ठीक है। तो अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, इट इज़ सक्सेड इन ट्रिपलिंग डेट फूड सप्लाई बट इट इज वाज नॉट इनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन एप्लीकेशन। तो इसको मैं आपको मतलब बताता हूँ, ह्यूमन पॉपुलेशन। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या करता है, जो आपका फूड प्रोडक्शन था ना, जैसे आप किसान खेती करते थे तो उससे जो फूड प्रोडक्शन होता था, ठीक है, वो बहुत कम होता था, लेकिन जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो उसको तीन गुना कर दिया गया है, उसने उसको तीन गुना कर दिया, फूड बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। लेकिन ये अब भी इतना ज़्यादा कामयाब नहीं है कि बहुत ज़्यादा फूड प्रोडक्शन कर सके, क्यों, क्योंकि जो ह्यूमन की पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से ये ग्रीन रेवोल्यूशन इतना काम नहीं अच्छे से कर पाया। तो इसलिए कौन सी टेक्निक आई, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होता है, मैं इसको ईजी लैंग्वेज में आपको बता दूँ कि डीएनए को मैनिपुलेट करना, मैनिपुलेट क्या होता है, डीएनए को किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए में कोई जीन ऐड कर देना या कोई जीन हटा देना या हटा देना, इसको मैनिपुलेट बोलते हैं। तो इसको ही बोलते हैं जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जैसे कोई प्लांट हो गया, बैक्टीरिया, फंगी, एनिमल, वो जीन हैव बीन अल्टरेड होता है इन चेंज बाई मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मतलब जोड़ के या तोड़ के, आर कॉल्ड जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। मैंने बताया ना, या तो प्लांट हो गया, जैसे प्लांट में कोई हम जीन जोड़ रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, किस तरह से भी कर रहे हैं, उसको जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल बीटी कॉटन हो गया, बीटी कॉर्न हो गया, राइस, टमाटो, पोटैटो एंड सोयाबीन ईटीसी। अब जेनेटिक मॉडिफाइड है, जैसे कि अब किसी भी प्लांट को हमने जेनेटिक मॉडिफाइड कर दिया गया है तो उसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं प्लांट को, जैसे कि मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, कोल्ड, ड्राउट, साल्ट ईटीसी। कई ये पाँच जो फाइव पॉइंट है ये 2020 में भी आए हैं, ठीक है, ये कई बार आ चुके हैं, इनको आप ज़रूर याद रखना।
तो इनके बेनिफिट क्या है। तो जो क्रॉप होती है ना, जैसे आप फसल है, तो फ्रॉस को हम जो हमारी क्रॉप्स है उसको हमने क्या कर दिया, जेनेटिक मॉडिफाइड कर दिया। तो उसको बेनिफिट क्या हुआ उस क्रॉप को, उस क्रॉप को हुआ कि वो बॉल टॉलरेंट हो गई। टॉलरेंट मतलब उसकी जो सहनशीलता है ना वो ज़्यादा बढ़ गई। एबायोटिक स्ट्रेस क्या होती है, जैसे कि कभी कभी ठंड ज़्यादा पड़ गई, साल्ट नमक की मात्रा ज़्यादा हो गई, गर्मी ज़्यादा हो गई, ड्राइट सूखा पड़ गया, ठीक है, तो ये ज़्यादा हो गई। तो उसमें भी कह रहा है कि अपने आप को टॉलरेंट कर सकते हैं फसल। जैसे नॉर्मल फसल होती, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, सूखा पड़ता है, तो गैली बर्बाद हो जाती है। आपने बहुत सुना होगा कि ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से जो फसल है वो क्रॉप से वो बेकार हो गई। लेकिन अगर जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप हो वहाँ पर, तो उनसे ज़्यादा कह रहा है कि सहनशीलता कर सकती है या कोल्ड को, ड्राउट को, सल्ट को और हीट को, ठीक है। दूसरा होता है जो इसका बेनिफिट, रिड्यूस रिलायंस ऑन द केमिकल पेस्टिसाइड। अब देखो, यानी डिपेंड पेस्ट के रेजिस्टेंस क्रॉप, जैसे हमारी फसल है, फसल में जैसे कोई केमिकल, कोई क्या लग जाता है, हमारा पेस्ट लग जाता है। पेस्ट क्या होता है, कीड़े लग जाते हैं, ठीक है, अब बहुत सारी चीज़ लग जाती है। तो उसमें हम क्या करते हैं, केमिकल का यूज़ करते हैं, जो आज भी बहुत सारे फार्मर ज़्यादा यूज़ कर केमिकल का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप का यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, हमें कह रहा है कि केमिकल का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। रिलायंस यानी होती है डिपेंडेंस, तो ये कह रहा है कि हमारी डिपेंडेंस होती है जो केमिकल पेस्टिसाइड पे, वो बहुत ज़्यादा क्रॉप कम हो जाएगी जब हम यूज़ करेंगे पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप का, ठीक है। और हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। अब पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस क्या, जैसे अब फसल पकी, तो फसल पके और काट लिया, अब जो उसे नाज है, ठीक है, उसको हमने क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं अपने घरों में या टंकियों में, जो भी आप करते हो, कर लिया। तो उसके बाद क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा जो नाज होता है वो लॉस हो जाता है, मतलब ख़राब हो जाता है। आपने सुना होगा रुई लग गई, फूई लग गई, बहुत ज़्यादा बेकार हो जाता है। लेकिन अगर आप जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप का यूज़ करेंगे तो उसमें कोई भी ऐसा कीड़ा लगने की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई भी नहीं लगती है। फिर तो इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ मिनरल यूज बाय द प्लांट। अब देखो, अब जो प्लांट होता है उसको प्लांट जनरली मिनरल चाहिए होता है, ठीक है, उसमें ज़्यादा मिनरल चाहिए होता है। लेकिन अगर आप पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट का यूज़ करोगे तो कम मिनरल भी मिलेंगे ना, तब भी अपना काम कर लेगा। अब इंचेंस न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड, फिफ्थ पॉइंट है, इंचेंस न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड। अब फूड की न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाती है, न्यूट्रिशन मतलब पोषण, इंचेंस मतलब बढ़ जाती है, इसकी जो फूड की जो न्यूट्रिशन वैल्यू वो भी बढ़ जाती है। जैसे गोल्डन राइस, ठीक है, गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है, जब इसको हम जेनेटिक मॉडिफाइड टेक्निक यूज़ कर जाते हैं, बीटा कैरोटीन जो हमारी आँख के लिए ज़्यादा होता है, विटामिन ए और इंसेंस राइस, तो ये 5 बेनिफिट होते हैं। आपको गाइस याद रखने हैं, ये बहुत बार पूछे जाते हैं। थैंक यू गाइस, अब फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। ये पार्ट 1 है इस वीडियो का, पार्ट 2 देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज़।